Slow the equation with variable separable, exercise 9.4. ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, इन दिस टाइप सेपरेट बोथ वेरिएबल डी वाई विद वाई and dx with x, dy by with y variable, with variable y. With variable x and dx and dy must be in numerator. Must be a numerator. Then simply integrate it. Simply क्या करते हैं? Integrate. ठीक है जी. जैसे कि हमें जनरल सोल्यूशन, इसे जो हम निकाल लेंगे इसे जनरल सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है जी. जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स ओवर वन प्लस कॉस. सिंपली डी वाई को इधर ले लो, एक्स वालों के साथ एक्स वाले को मिला लो, जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं. ठीक है जी. डी वाई का क्या हो गया वाई, पर पहले इसको सिंप्लीफाई करो. सारा खेल तो सिंप्लीफिकेशन का ही है. 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डीए. 2 से 2 कट गया. लो जी, ये हो गया टैन स्क्वायर एक्स बाय 2 डीए. टैन स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है. dy का क्या हो गया y, ये हो गया tan x by 2 divided by derivative of angle plus ये difference. सिंपल सी बात है, वेरिएबल सेपरेबल में आपको क्या करना है, x को x वाले के साथ मिलाना है. और ये हमारा तरीका है कि dy और dx दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए. बस उनको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे. उनको सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेट. जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट सिक्स माइनस वाई स्क्वायर. वाई से वाई वाले को मिला लो, एक्स वाला अकेला बच्चा, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई ओवर रूट सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. लो जी, गॉट इट. और चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, साइन इनवर्स को वहां ले गए, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी. वाई क्या होगा रूट सिक्स. ये ज्यादा से ज्यादा और आप सॉल्व कर सकते. ठीक है जी. तो 4 लिखा मैंने, 6 लिख दिया गलती से, 4 कर देते हैं. ये हो जाएगा 2, यहां पे भी ये आ जाएगा 2. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 3, डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस. ठीक है जी. क्या हो गया लॉग वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस. कोशिश हमारी होती है कि वाई अलग हो जाए वाई. अब यहां से लॉग हटाएंगे सामने ई आ जाएगा बेस. ठीक है जी. क्या हो जाएगा ई एक्स प्लस सी प्लस 1. करो जी नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. जितना सिंप्लीफाइड आंसर होगा उतना बढ़िया मानते हैं. ठीक है जी, तीनों क्वेश्चन नोट करो.
जी, अगेन रिपीट, पॉज द वीडियो, इस जगह से डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है ना। देखा जाए तो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से शुरू होती है जहां पे आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है। वेरिएबल सेपरेबल, एक्स वाले अलग कर लो, वाई वाले अलग कर लो, और ये ध्यान रखो डीएक्स डीवाई दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए, ठीक है जी, और फिर उसे इंटीग्रेट कर लो, ठीक है ना, इंटीग्रेट, ठीक है जी। और जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वहां लिखा होगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंट स्क्वायर एक्स टेन डीएक्स प्लस सेकेंट स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अलग अलग करो, सेकेंट स्क्वायर एक्स टेन वाई माइनस सीकेंट स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। अब एक्स वाले अलग कर लो, टेन एक्स नीचे लाए, ठीक है जी, माइनस सीकेंट स्क्वायर डी वाई ओवर टेन, ठीक है जी, टेन एक्स फोर्टी रखोगे आ जाए, ये आ गया डी टी बाई टी, इधर जेड ले लो, ये आ जाएगा डी जेड बाई जेड, यानी माइनस लॉग टी, सॉरी लॉग टी इज इक्वल टू माइनस लॉग जेड प्लस सी, दोनों को। अब देखो सारा लॉग का है ना, तो आप कोशिश करो जो कांस्टेंट है वो भी लॉग का ले लो, वो भी किसका ले लो, लॉग, उठा के इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस log m into n, log m into, log m plus n, log m into n, log m minus n, t की जगह t रख लो, t आपका क्या है tan x, और ये क्या है tan y, divided by c। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, अगर आपका कमांड बना हुआ है किस पर, अगर आपका कमांड बना हुआ है इनडेफिनेट पे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, डी वाई ex माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू अलग अलग करो, डी वाई इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस, को टी पुट करोगे या आ जाएगा, जिसका इंडेफिनेट मजबूत है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, टी की वैल्यू रख दो, टी की क्या रख दो वैल्यू, ठीक है जी, करते जाओ, कॉपी कर लो दोनों क्वेश्चन, ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। अगर अभी से मैथ्स में मेहनत कर लोगे तो आगे बड़ी सारी लाइनें खुल जाएंगी आपको। डी वाई ओवर वन प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी ए, ये क्या होगा, ये टैन इनवर्स वाई, ये होगा एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स प्लस सी। वाई कोशिश हमारी है कि वाई निकल आए, वाई आराम से आ गया, टैन को तो शिफ्ट कर दो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, लो जी वाई वाले अलग करो। कंडीशन ये है कि डी एक्स और डी वाई दोनों कहाँ पर होने चाहिए, न्यूमरेटर में, ध्यान से देखो। ये बन गया डी एक्स बाय एक्स, ये बन गया डी वाई बाय वाई लॉग, यहाँ लॉग वाई को आप क्या लेंगे टी, तो वन बाय वाई क्या होगा डी टी बाय डी वाई, यानी डी वाई बाय वाई इज इक्वल टू डी डी वाई बाय वाई डी टी, ये जी हो गया लॉग एक्स, ये हो गया लॉग टी, कांस्टेंट भी फिर लॉग कर लो क्योंकि सारा लॉग में चल रहा है ना, एडजस्ट करना आसान हो जाएगा। माइनस लॉग टी माइनस लॉग टी, लॉग टी की वैल्यू रखो, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम ओवर एन, इसको भी कर दो जी, ये भी लॉग एम माइनस लॉग एन log y, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर एट, एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई वाई, वाई से वाई वाले को मिलाऊं, एक्स वाले प्लस सी, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 to 10 जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये एनसीईआरटी वाले करा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये तो मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी कवर है, कोई कंसेप्ट सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, एट भी हो गया, अब करते हैं 9th 10th। ठीक है जी, 9th डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देखो वही पूरा इंटीग्रेशन ही चल रहा है, देखा जाए तो याद करो क्या बताया था, जब भी साइन इनवर्स का क्वेश्चन आ जाएगा उसको पहले सब्स्टिट्यूट करो, कॉस थीटा टी थीटा, ये लिया थीटा, ये होगा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस
into integration of second derivative of first integration of look theta ho gaya sin inverse x sin x theta kya ho gaya x aur ye ho jayega root 1 minus kyunki jab cos theta ko likhoge root 1 minus sin square theta तो इधर ले जाएंगे माइनस माइनस ये मैंने चेंज कर दिया इसको पुट करोगे आ जाएगा डी टी बाय टी इससे ले लो डी जेड बाय जेड ये हो गया लॉग टी ये हो गया लॉग जेड कॉन्स्टेंट भी लॉग में लो log t minus log z is equal to log log m over n is equal to log log से log भी remove हो जाएगा क्या बचा t by z is equal to c t क्या हो गया आपका ex minus 1 और ये हो गया c tan z z हो गया ना z की वैल्यू रख दो tan यहीं पर ठीक है जी ये था आपका जनरल सॉल्यूशन अब करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन Pause the video and copy the answer. बेसिक्स क्या है दोनों वेरिएबल अलग करो डीएक्स और डीवाई कहां पर होने चाहिए न्यूमरेटर में उस पर इंटीग्रेशन करो इंटीग्रेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हम इंडेफिनेट में सीख के आए जैसे हम इंडेफिनेट में Pause the video and copy the answer. ठीक है जी करें यहां से क्वेश्चन काफी बार आया हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दूंगा करने के लिए कर लेना अब 11 से 14 तक हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन या इसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं इनिशियल वैल्यू ठीक है जी इसमें क्या होता है जो कॉन्स्टेंट हम
एंड ऐड करते हैं, एंड में प्लस सी करते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। उसकी क्या निकालनी होती है? वैल्यू। जैसे ये क्वेश्चन देखो, जैसे 11th क्वेश्चन है, पहले तो सारा ध्यान इस चीज पे लगाना है x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन होगा कैसे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, दिया क्या हुआ है y इज इक्वल टू वेन वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, उसको एक मिनट के लिए भूल जाओ। सबसे पहले ध्यान लगाएंगे हम लोग इंटीग्रेशन, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से वन कॉमन लिया, ये स्प्लिट हो गया। अब जैसे तैसे करके ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, ए ओवर एक्स प्लस वन बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, जैसे तैसे करके एबीसी की वैल्यू निकालो। ए की फैक्टर अवेलेबल है, पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू होगी माइनस वन, ये वाला पार्ट जीरो होगा, बच्चा वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन, तो ये बचा टू माइनस वन इज इक्वल टू टू ए, ए आ गया वन बाय। अब करो कंपेयर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है टू, यहां पर है ए, यहां पर होगा बी, तो ए तो है मेरे पास, ठीक है जी। अब आ जाओ कंपेयर कोफिशियंट ऑफ बी प्लस सी, जब इसको खोलेंगे एक मिलेगा बी एक मिलेगा सी, बी हमारे पास है, सी हो गया वन माइनस सी बाय टू माइनस वन, ए आ गया आपका वन बाय टू डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन, बी है आपका थ्री बाय टू एक्स माइनस वन बाय टू ओवर स्क्वायर प्लस, इंटीग्रेशन जी, ये डायरेक्ट है ये डायरेक्ट है, यहां सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, काफी लंबा क्वेश्चन है कोई बात नहीं, डी टी बाय टू ओवर
1 by 2 log x plus 3 by 4 log t सीधा हो जाएगा log x square plus 1 by 2 tan inverse x is equal to c. पहले यहां तक नोट करो फिर कंप्लीट करके दिखाते हैं. अब यहां कर देते हैं इसको कंप्लीट. कहता है अब हमें c की वैल्यू निकालनी, हमें क्या करनी है c की वैल्यू निकालनी. कहता है x अगर 0 तो y की वैल्यू क्या है 1. ठीक है जी, y की वैल्यू क्या है 1. तो सिचुएशन क्या आई है, y is equal to half log x plus 1 log x square plus 1. ठीक है जी, प्लस सी आना, माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस सी. कहता है y की वैल्यू 1 है अगर x की वैल्यू 0 है. x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 रखोगे क्या बचेगा 1 बचेगा. यहाँ x की वैल्यू 0 रखते हैं tan इनवर्स, तो ध्यान से देखो log 1 0 है, log 1 0, tan इनवर्स 0, सारे ही 0 हैं. तो c क्या आ गया आपका 1. इसकी वैल्यू निकालना है, पर्टिकुलर सिचुएशन में कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. ठीक है जी, यही इसका एम है. ठीक है जी, c की वैल्यू कितनी आ गई 1. तो इक्वेशन कंप्लीट होके हो जाएगी. प्लस ठीक है जी, करो नो पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. चार क्वेश्चन कराएंगे, कुछ करने के लिए ज्यादा क्या हो सकता है. डू नोट पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. ठीक है जी, अगेन रिपीट पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. ठीक है जी, इन क्वेश्चनों में एम ये होता है जो कांस्टेंट हम सी लिखते हैं उसकी वैल्यू निकालना. सी की वैल्यू निकाल कर रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है ना, यहां पर आ गया 1. ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन माना जाता है. कौन सा सॉल्यूशन माना जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. थोड़ा सा काम बढ़ जाता है इसमें. वर्ड प्रॉब्लम्स आपके कोर्स में नहीं है, एक्सरसाइज चल रही है हमारी 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन.
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, लो जी, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, ध्यान से देखो ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन। पहचान क्या होती है इन क्वेश्चनों की, x की भी वैल्यू दे रखी होती है, y की भी दे रखी होती है। ठीक है जी, जैसे इसमें बोला है y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इज इक्वल टू टू, ये मतलब ये भी होता है इसमें x की वैल्यू जीरो तो y की टू, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है ना, सामने वैल्यू किसकी है, y की, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, x की। अब इसको पकड़ो, इंटीग्रेशन करते हैं, a ओवर x जी, एक एक करके फैक्टर यूज करो, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया ए माइनस वन इज इक्वल टू, दूसरा फैक्टर लो, पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, इसमें बी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी सी, इसमें ऐसे एक्स पहला बी वाला फैक्टर लो, एक्स की वैल्यू वन आ गई, ये भी कितना हो गया, वन बाय, तीसरा फैक्टर लो, एक्स की वैल्यू। माइनस लॉग एक्स हाफ इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, या इज इक्वल टू सी ले लो या कुछ भी ले लो, प्लस इज इक्वल टू वाई, ये वाला वाई ये है, एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की, y 0 है तो x 2 है, x 2 है तो y 0। ठीक है जी, x को 2 रखो, ठीक है जी,
ध्यान से देखो, ये भी हो जाएगा log 1 बटा log 1 0 हाफ log 3 प्लस c। y की वैल्यू कितनी है c। ये हो गया log root। ये हो गया माइनस लॉग 3 माइनस लॉग हाफ माइनस लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इन टू एन। ठीक है जी। वैसे सी भी लॉग में ही ले लेते हैं, रीजन वही होता है कि जब सब कुछ लॉग में चल रहा है तो इसे भी लॉग। माइनस हो जाएगा, एंगल रिवर्स हो जाएगा, 3 हो गया 2 बाय रूट, 3 हो गया 2 बाय रूट। बस रिप्लेस कर देंगे, कर लो नो, करो नो, अगर सी को रिप्लेस कर देना तो इक्वेशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, y की वैल्यू 1 है व्हेन x यानी y 0 इज इक्वल टू 1। cos inverse a कांस्टेंट है, ये हो गया y, ये हो गया x प्लस y की वैल्यू 1 है अगर x की वैल्यू 0, ऑब्वियस है ये भी सारा 0 ही हो जाएगा। c क्या आ गया आपका 1, c क्या आ गया 1। सिचुएशन क्या बनी, y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1,
ऑप्शन वो 13 भी हो गया। डी वाई का डी एक्स वाई वन है व्हेन एक्स इज इक्वल टू यो गया वाई लॉग वाई यो गया लॉग सेकेंट एक्स प्लस लॉग y की वैल्यू 1 है सेकंड 0 ये हो गया 0 सेकंड 0 क्या होता है सेकंड 0 होता है आपका 2 बाय 5 सेकंड 0 1 होता है सॉरी ये भी क्या होता है 1 log 1 भी क्या होता है 0 तो log c भी क्या होगा 0 यानी सिचुएशन बने वाई ओवर सेकंड एक्स इक्वल टू 0 यहां से लॉग हटाएंगे सामने ई आ जाएगा ई की पावर 0 हमारा एम ई की पावर 0 क्या होता है 1 1 इंटू सेकंड एक्स ये हमारी ट्रिक इक्वेशन क्या हो गई 100। ठीक है जी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ एक्स्ट्रा जिसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी ऐसे इनिशियल वाले ही लिख लो बहुत है प्रैक्टिस करोगे तभी कहानी बनेगी नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। वेरिएबल सेपरेबल अच्छे से आता होगा तो अगले वालों में दिक्कत नहीं आएगी। देख ले ठीक है जी 14 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आप और मैं 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देता हूँ वो कर लीजिए तो आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। सब में डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर सी की वैल्यू निकालनी होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ठीक है जी। थ्री ई टू एक्स थ्री ई फोर एक्स और नीचे है ई एक्स माइनस इसमें से ई थ्री एक्स कॉमन ले लेना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इनडेफिनेट अच्छे से आती है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली नहीं आती तो परेशानी होनी होनी है।
cos cube x sin 4x. पावर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स वन, जैसे ई हटाओगे सामने क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। ठीक है जी, जहां पर x और y की वैल्यू दे रखी हुई वहां पर c की वैल्यू निकाले, उन्हें क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। y डैश इज इक्वल टू y tan x, इसमें c की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, 2xy डैश इज इक्वल टू 5y y11, ये अंदर ब्रैकेट में x की वैल्यू होती है, ये होती है y, ये y की वैल्यू, c की वैल्यू इसमें आ जाएगी आपकी 0। y डैश प्लस 2y स्क्वायर y 0 इक्वल टू 90, c की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। करने को 500 क्वेश्चन कर लो, क्या है, एक बार समझ में आ जाए तो कोई मुश्किल चीजें नहीं है। लो जी, sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy y 0 is equal to 5, c आएगा log root 2, आंसर भी मैंने बता दिया था। ठीक है, करो नोट, फिर नया टाइप करते हैं इसमें। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द क्वेश्चन।
ठीक है जी, इतना टाइप करते हैं। वैसे इस टाइप का कोई एक्सरसाइज नहीं दी हुई है, पर क्योंकि एक आध क्वेश्चन कई एग्जांपल्स में दे रखा है इसलिए करवाने जरूरी है। इसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सैंपल्स। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू ए स्क्वायर। मुसीबत ये होगी इस क्वेश्चन में, आप चाहकर भी x y को अलग नहीं कर पाओगे, और इसमें x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, ठीक है ना, ये पहचान होती है। पहली बात तो अलग नहीं हो पाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे। अब पहचान में देखें तो x और प्लस y दोनों की पावर 1 दे रखी है, तो आप इसे कुछ लेट कर लो, जैसे z लेट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी जेड बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1, यानी ये डी वाई बाई डी एक्स dz by dx minus 1, ये हो गया z square, a square z square plus a square plus z square by z square, यानी z square dz over z square plus a square is equal to dx। ठीक है जी, अब क्या करो, ऊपर ए स्क्वायर प्लस या डिवाइड कर लो या ऐसे कर लो, क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है। अलग अलग करा एक जगह तो पूरा ही सिंपलीफाई होगा। जेड स्क्वायर प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया जेड, इसका 1 बाय ए, वही मैं कह रहा हूँ स्पेशल इंटीग्रेशन बहुत यूज होती है। z हो गया x प्लस y, प्लस ठीक है जी, ये पहचान है x और y अलग नहीं हो पाएंगे, और x और y दोनों की वैल्यू पावर क्या रहेगी 1 रहेगी, जिससे हम उसको अलग से लेट करके सिंप्लीफाइड, क्योंकि हमारा एम है सिंप्लीफाई करना, तो ये भी सिंप्लीफाई करने का तरीका है। करा देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन आ गई, थोड़ा सा और एडजस्ट करा, अलग अलग हो गए, इंटीग्रेट हो गए, बाद में जेड को रिप्लेस कर दिया, बाद में जेड को क्या कर दिया रिप्लेस। 7-8 क्वेश्चन करा देता हूँ इसके, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। लो क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy by dx is equal to sin x plus y, वही x plus y आ गया, z लिया, dz by dx minus one plus sin,
पुराने फॉर्म में फिर पहुंच गए हम लोग, रैशनलाइज किया, ठीक है जी। क्वेश्चन करेंगे डी वाई बाय डी एक्स ठीक है जी। एक्स प्लस वाई को जेड लिया, डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, डी जेड बाय डी एक्स माइनस मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन बन गया। करो टू टेन जेड बाय कट गया आप उसमें, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर जेड बैट और नीचे हो गया टू टेन जेड बैट टू प्लस टू, इसको टी लेंगे तो ये हो जाएगा टू डी टी, लो जी डी टी ओवर टी प्लस वन
log t plus 1 का एक आध क्वेश्चन दिया हुआ है, मुश्किल हो जाएगी अगर ना करेंगे, ठीक है ना। हम 6-7 क्वेश्चन करा देंगे आपको, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। पहले आप इस पूरे को लेट करो z 4 ठीक है जी, ये हो गया आपका z स्क्वायर की वैल्यू होगा। ठीक है जी, जैसे ये देखो इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डी वाई बाय डी सेम ही आ गया, ये हो गया आपका cos square z ठीक है जी, ये क्या आ गया dz by क्वेश्चन और करेंगे, दो क्वेश्चन और कर लो।
ठीक है जी, टॉपिक पकड़ने के लिए बहुत होते हैं इतने क्वेश्चन। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, दो क्वेश्चन और करते हैं खत्म। इसके बाद सर दो बचते हैं, होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल। को रिप्लेस कर आपका एक्स प्लस, करेक्ट।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, दो तरीके, या तो रैशनलाइज कर लो नहीं तो फॉर्मूले वाला भी तरीका है। इसका क्या हो जाएगा जी, 2 cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय, रिप्लेस कर,